पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर देश को कोविड-19 संकट से तबाही के कगार पर ले जाने का आरोप लगाते हुए बीते शनिवार को कहा कि यह केंद्र के पिछले 6 महीनों में कोई काम न करने का नतीजा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और नेता बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज राज्य में पहुंच रहे थे। इसी के साथ उन्होंने ये आरोप दोहराया कि बीजेपी जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही है और बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद हिंसा को भड़का रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि अगर उसने सीधे भगवा पार्टी की मदद नहीं की होती तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 30 सीट भी नहीं जीत पाती। आपको बता दें कि वे विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के विधायक विमान बंदोपाध्याय के तीसरी बार अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद बोल रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में दोहरे इंजन वाली सरकार बनाने के लिए उन्होंने भारत को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। उन्होंने संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और देश में अन्य लग्जरी निर्माण के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर वे लोगों को वैक्सीन देते हैं तो 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो केंद्र सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वे करीब 50,000 करोड़ रुपए संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और प्रतिमाओं के निर्माण पर खर्च कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता सबका टीकाकरण करने की होनी चाहिए, जो वे नहीं कर रहे। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।